नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिफ्ट ट्रेडर राम। दोस्तों, कल हमने बात किया था डेटा के बारे में कि मार्केट का डेटा क्या बना हुआ है, बिग प्लेयर कहाँ पे पोजीशन बना के गए हैं, मार्केट क्या रहेगा मंडे को, मार्केट अगर ओपन होता है तो आपको कौन क्या करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस को सेल करना है, डेटा क्या इंडिकेशन कर रहा है, आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन के सीक्रेट डेटा के बारे में, जहाँ पे FII एंड प्रो ने सेल किया है, वो कौन से स्ट्राइक प्राइस को सेल किए हैं, ये सब सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो मैं आपको एक बार थोड़ा अपने डेटा पे भी लेके चलता हूँ, यहाँ से मैं आपको डेटा भी दिखाऊंगा और प्राइजेक्शन के साथ सारा यहाँ पे अपडेट आपको मिलेगा। तो ओवरऑल इनकी जो पोजिशन बनी होती है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों में पोजिशन बनी होती है, कहाँ पर उन्होंने पोजिशन बनाई है, क्या उन्होंने पोजीशन बनाई है, सब कुछ हम बात करेंगे दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा अपना सीट ओपन कर लेता हूं ताकि मैं आपको थोड़ा सा डेटा के बारे में भी बता सकूं। तो ये मेरी आपको कल वाली सीट है, यहां पे हमने बात किया था कि बिग प्लेयर हैं वो पुट बाई करके गए हैं, यानी यहां पे FII जो हैं वो और प्रॉप ये दोनों पुट बाई करके गए हैं। मेरी कल वाले डिटेल में वीडियो देखने के लिए कल वीडियो आप जाकर देख सकते हैं कि मैंने क्या बताया। चलिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिटेल ट्रेडर ये कॉल बाई करके गए हैं, इनके पास कॉल 3,80,000 कॉल फ्रेश बाई करके गए और पुट सेल करके गए हैं, दैट मीन्स ये यहाँ पे बुलिस हैं, हमारे रिटेल ट्रेडर जबरदस्त बुलिस है FII। अब सॉरी क्लाइंट्स ने FII ने क्या किया, यहाँ पे वो पूरे उनके पास जो कॉल थी वो सेल कर दिया, 1,69,000 का कॉल की बाइंग थी, पूरा खलास खत्म उनके पास नहीं है, देख सकते हैं 13% बाई 12.7% सेल, कुछ नहीं है। पुट साइड उनके पास 3,52,000 की बाई है, यानी 20% बाई है, 16% सेल, 4% ज़्यादा उनके पास पुट की बाई है, दैट मीन्स वो क्या है, बियरिस है। अब यहाँ पे एक तीसरा बड़ा प्लेयर जो है वो है प्रॉप, प्रॉप ने क्या किया, जबरदस्त सेल कर दिया यहाँ पे, 4,09,000 कॉल की सेल, दैट मीन्स वो बियरिस और पुट की बाई करके बैठ गया। आप यहाँ पे देखें कि लगभग 1,82,000 उसके पास जो है नेट बेसिस पे 126 बाई है, 1,26,000, तो ये भी एक बेयरिश का इंडिकेशन है। अब ये कहाँ पे बाई और कौन से स्ट्राइक प्राइस पे सेल किया, मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकता है, इसकी हम बात करेंगे ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से। तो चलिए हम बात करते हैं निफ्टी का, यानी आपको सबसे पहले मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है, लेकिन निफ्टी का सपोर्ट क्या है, 19,600 का है, रजिस्टेंस 19,863 का है, न्यूट्रल पॉइंट 19,731, यहीं पर मार्केट क्लोज दिया है, यानी मार्केट में जो अपसाइड है वो नहीं है, नहीं है। अब 19,700 टच करने की प्रोबेबिलिटी 44 बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, सबसे ज़्यादा राइटर कहाँ पे बैठा हुआ है, तो बात करते हैं ऊपर में 19,800 19,900 यहाँ पे राइटर बैठा हुआ है सबसे ज़्यादा, कितने 65% कॉल राइटर 19,700 19,650 19,500 नीचे साइड में। लेकिन अगर आप ATM की बात करें तो ये हमारा ATM प्लस माइनस 50 का है, ATM प्लस माइनस 50 का ये आपको डेटा है, यानी अगर ATM अभी हमारा 19,750 का है तो ये 19,800 19,700 का डेटा है जिसमें 65% कॉल की राइटिंग हुई है। आप देख सकते हैं 19,750 पे 45, ये 68,000 यहाँ पे 23,000 75,000 19,800 पे भी, जबकि पुट साइड पोजीशन सीधा नीचे की तरफ बना हुआ है, नीचे की तरफ 35% सोने, यानी यहाँ पे डेटा बेयरिस इंडिकेट कर रहा है। अब हमारा पेन है वो डायरेक्शन हमारा नीचे दे रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों प्रेस, यानी क्या है, मार्केट का एरो पेन ये इंडिकेट कर रहा है कि नीचे जाएगा। मार्जिन यहाँ पे वो कॉल में लिया गया है, 1.2 है मार्जिन, यानी कॉल में यहाँ पर मार्जिन लिया गया है, दैट मीन्स ये भी एक बेयरिस का इंडिकेशन है। राइटिंग 19,550 के पास पुट की राइटिंग है, यानी बड़े प्लेयर जो हैं वो 19,500 के पास पुट में बैठे हुए हैं, कॉल में 19,800 19,850 के पास बैठे हुए हैं। तो जब भी प्रॉप अगर बाई करके जाता है पुट या कॉल, मार्केट उसके डायरेक्शन में जाता है, दैट मीन्स अगर वो पुट बाई किया है तो मार्केट कहाँ नीचे जाएगा। तो आज आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है मार्केट अगर थोड़ा सा भी ऊपर खुले तो, वहाँ पर आप डरिए नहीं। चलिए बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी यहाँ पर जबरदस्त बेरिश था, सपोर्ट बैंक निफ्टी की 43,492 का है, रेजिस्टेंस 43,700 का, न्यूट्रल पॉइंट 43,596 का, 43,600 के पास मार्केट, यानी यहीं पे क्लोजिंग है पूरे मार्केट, सॉरी 43,584 के पास मार्केट क्लोजिंग है, यानी न्यूट्रल पॉइंट से थोड़ा सा नीचे है, 43,800 टच करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 35 दिखा रहा है, लेकिन ये मार्केट क्या है, डेटा स्ट्रॉन्ग बेयरिश है। कैसे, ATM प्लस माइनस 50 में 93% राइटर, 43,800
43,700 पे जबरदस्त कॉल के राइटर बैठे हुए हैं, पुट राइटर 41,000 41,500 43,000 से, यानी नीचे में बैठे हुए हैं। पुट राइटर नीचे में बैठा हुआ है, ऊपर में नहीं है। और ये देखिए 82,000 23,000 11,000 यहाँ इन द मनी, 2,30,000 2,000 1,31,000 राइटिंग हुआ है। पुट साइड सबसे ज़्यादा राइटर कहाँ, 60,000 60 यानी 43,000 के पास, 43,200 के पास, 43,400 के पास। कॉल में यहाँ पे 44 के आस सर पुट में इन द मनी सारे पोजीशन क्लोज हैं। मार्जिन मार्जिन आपको पूरे कॉल में लिया गया है, दैट मीन्स ये बेरिश इंडिकेशन है, लेकिन थोड़ा सा पेन इंडिकेशन कर रहा है ऊपर की तरफ। तो मैक्सिमम 43,700 जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जाएगा बैंक निफ्टी, इसके ऊपर जाने में बैंक निफ्टी का हालत ख़राब हो जाएगा दोस्तों। इस चीज़ों का आप ध्यान रखिए, जब भी आपको ऊपर मिले वहाँ पे बाय नहीं करना है। ऐसे लाइव का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस डेटा को ये राइट करके गए हैं, ये एंड ऑफ द डे राइट करके गए हैं, पोजीशन करी करके जाए हैं, तो 100% ये एक बार नीचे लेके जाएंगे। तभी अगर ऊपर भी जाना होगा तो ये अपना पोजीशन पहले नीचे जाकर क्लोज करेंगे लाइव में। इस चीज़ों को आप ध्यान रखिए हमेशा। फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं, फिन निफ्टी में अभी सपोर्ट हमारा 2992 का है, रेजिस्टेंस 19 माफ करिएगा ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट हमारा 19621 का। कुछ दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, इसलिए हम अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ी सी मैं इसको सही कर लूँगा, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 19,200 के टच करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे गलत दिखा रहा है, तो इस डेटा को थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि एक जो सही डेटा होगा उसी के लिए बायर यहाँ पे 83% सेंपुट में राइटिंग 19,700 19,800 20,000 के ऊपर कॉल की राइटिंग है। पुट राइटर यहाँ पर 19,500 18,000 1,850 के पास बैठे हुए हैं, यानी एटीएम के पास भी 57% जो है वो कॉल के राइटर हैं। 19,500 के ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ 41,000 21,000 31,000 यानी ये पोजीशन पूरे ज़बरदस्त अभी कैरी करके जा रहे हैं। इवन इन द मनी भी यहाँ पर पोजिशन होल्ड है, जबकि पुट साइड ये पोजीशन पूरे क्लोज हैं। यहाँ पे आउट ऑफ द मनी भी थोड़ी पोजीशन क्लोज हो रही है, यानी बड़ा प्लेयर जो है वो कॉल के साइड इन द मनी राइट करके जा रहा है कॉल के साइड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने प्रीवियस डेटा यहाँ पे मैच कराया कि हमारे यहाँ पे FII एंड प्रो वो क्या करके गए हैं, कॉल की राइटिंग करके गए हैं, पुट की बाई करके गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रो भी क्या किया है, पुट थोड़ी सी सेल किया है, कॉल पुट बाई किया है। यहाँ पे कॉल की जबरदस्त उसने 5,40,000 का राइटिंग किया है, जबकि बाई यहाँ पे 3,97,000 1,42,000 ज़्यादा उसने क्या किया, कॉल की सेलिंग की है। तो जब ये कॉल सेल किया है तो और हमें ये भी डेटा इंडिकेशन कर रहा है कि जो हमारा राइटर बैठा हुआ है कॉल पे वो जबरदस्त यहाँ पे बैठा हुआ है 19,600 के पास जो है वो फिन निफ्टी में, दैट मीन्स ये बेरिस है। बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी में 19,750 19,850 पे भी बैठा हुआ ये कॉल राइटर, यानी बिग प्लेयर यहाँ पे कॉल की राइटिंग कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है तो वो क्या इंडिकेशन कर रहा है, मिड कैप 9450 के ऊपर क्लोजिंग है, सपोर्ट 9421, रेजिस्टेंस 9456, न्यूट्रल पॉइंट 9439 नीचे है, यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट नीचे है 989950 सॉरी दोस्त 990 के पास राइटिंग यहाँ पे हुआ है कॉल की जबरदस्त वाली। पुट राइटर पूरे नीचे बैठे हुए हैं, यानी यहाँ पे अब डेटा जो इंडिकेट कर रहा है वो जबरदस्त बेरिश वाले नीचे साइड का ही इंडिकेशन कर रहा है। जो 24 यहाँ पे 20 का जो यहाँ पे 20/11 का जो है इसमें 20 में अगर देखें तो जबरदस्त वाली 9413 9467 9521 9452 थोड़े से यहाँ पे ऊपर हैं 9596 और 9550 यहाँ पे 72% राइटर। पुट साइड में 93,000 9,300 9,400 9,375 के ऊपर, यानी 28% 7267 यहाँ पे देख सकते हैं नीचे है। फर्स्ट पेन थोड़े से ऊपर है, लेकिन इसके नंबर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऊपर जाने के चांसेस कम है। लाइव डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ओवरऑल यहाँ पे डेटा बेयरिश है। मार्केट अगर आपको कहीं ऊपर मिलता है तो आप शॉर्ट करिए दबा के मार्केट को, मार्केट दिखाने के लिए ऊपर से जाएगा, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए जाएगा। बड़े प्लेयर यहाँ पे FII जबरदस्त सेल किए हैं, कैश में उन्होंने FII DII दोनों ने सेल किया है,
तो कैश का भी डेटा बेरिश है। अब आप अगर पूरे ओवरऑल अगर देखें तो नवंबर में इनके पास बिल्कुल ही कुछ नहीं है, न्यूट्रल सेलिंग ज्यादा है। अक्टूबर उन्होंने जबरदस्त सेलिंग किया था, तो कैश का डेटा यहाँ पे बेरिश है। आई होप कि ये डेटा आपको आपके एनालिसिस में, आपके मार्केट के डायरेक्शन में, आपको ट्रेड लेने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मार्केट डेटा से चलता है दोस्तों। एक चीज़ों को याद रखिए, डेटा पहले बनता है। और इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ डेटा की बात की जाती है, और वो सब कुछ हम यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्या बात किया था थर्सडे के दिन, थर्सडे के दिन न्यूट्रल पॉइंट हमारा क्या था, फ्राइडे के दिन हमने क्या बात किया, फ्राइडे के दिन आप देख सकते हैं कि प्रोप राइटिंग पुट मैंने यहाँ पे बताया। मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी नीचे गिरा हुआ था, निफ्टी नीचे गिरा ही नहीं, 19,700 के ऊपर, 750 के ऊपर जबरदस्त टाइट कर रहे थे। रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, पूरे दिन मार्केट वहीं पे घूमता रहा, 19,750 के ऊपर मार्केट पूरे दिन रहा, आया लास्ट में, लास्ट में पूरे जब प्रीमियम उठा गए, क्योंकि फ्राइडे के दिन प्रीमियम ज़्यादा टिक के होता है। तो ये सब कुछ डेटा के ऊपर संभव है। आप अगर स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग बेस स्टॉक्स आप हमारे इस लिंक के थ्रू जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कुछ हमने स्टॉक्स पोस्ट किया है, जिसके लिए आप अगर चाहें तो मेरी मेंबरशिप पे कम्युनिटी टैब पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टॉक्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही, वन डेज पहले ही, आप देख सकते हैं जुबिलेंट फूड इंट्राडे का मैंने पोस्ट किया था, DCW, AK, BSML, AVS, ये सब आप जाके स्टॉक्स का एक बार बैक टेस्टिंग करिए। चैम्पलास्ट मैंने यहाँ पे बात किया था, पेनी स्टॉक एक और है मैंने 4 डेज पहले। तो ये जस्ट मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कभी कभी दिखा देता हूँ। ऑल कर्गो मैंने दिया था 280-75 टारगेट्स यहाँ पे, डाटा मेटिक्स और ये सब कुछ डेटा कॉल्फ। तो ये स्टॉक्स दोस्तों हैं जो एक अच्छे चलते हैं। इसके लिए आप स्विंग ट्रेडिंग वाली हमारी जो लिंक है उससे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के आधार बनाया गया, इसके आधार पर बाई सेल या होल्ड का ऑप्शन कितना कीजिए, अपने फाइनेंशियल वाइज से जरूर सलाह लीजिए, उन्हीं के सलाह पर बाई सेल होल्ड करिए। मिलते हैं कल एक और लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।